हमारी दुनिया में अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं और अभी तो ये कोरोना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और एक बीमारी है जिसका नाम स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी है, इसे SMA भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बीमारी के इलाज के एक डोज की कीमत तकरीबन 18.5 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 18.5 करोड़ रुपए। और ये बीमारी ज्यादातर छोटे कुछ महीनों के बच्चों में हो रही है और इस बीमारी में इंसान के शरीर की उनकी मांसपेशियों में कंट्रोल नहीं होता और एक समय के बाद बच्चे के दोनों हाथ और दोनों पैर हिलना बंद हो जाते हैं। और इस बीमारी के दो इलाज हैं। पहला स्पाइनल इन्फ्यूजन, और ये इलाज बहुत ही दर्दनाक होता है, इसे साल में 3 बार इलाज किया जाता है। और दूसरा है दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन ज़ोलगेंसमा। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतनी महंगी दवा का इंतजाम करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए ब्रिटेन की सरकारी सेवा नेशनल हेल्थ सर्विस, जिसे NHS भी कहते हैं, इसका पूरा खर्च उठा रही है और इसे जैन थेरेपी भी कहते हैं। ऐसी हेल्थ सर्विस हमारी दुनिया के हर कोने में होना चाहिए ताकि किसी मासूम की जान ना जाए। आपको क्या लगता है? ये वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप दुनिया में जागरूक रहें। आप YouTube में हमेशा एंटरटेनमेंट की वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं, कार्टून या मूवी देखते हैं, जिससे आपको सिर्फ उस पल की खुशी मिलती है। खुशी आती है और जाती रहती है, लेकिन नॉलेज आपके पास जिंदगी भर रहता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चूज क्या करते हैं। ये दोनों ही लाइफ में जरूरी है, लेकिन जितनी अहमियत आप हैप्पीनेस को देते हैं उतनी आपको नॉलेज को भी देनी चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस आपको खुशी देती है लेकिन नॉलेज आपको जिंदगी में बेहतर बनाता है और आगे बढ़ाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।